नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। वाकई में शराब नीति इतनी अच्छी थी कि बोतल तो नहीं नाची, लेकिन देश का हर एक शराबी शराब पीकर झूमता हुआ सड़कों पर नाचता हुआ खुलेआम नजर आया। गली में हर किसी गटर में एक बंदा शराब पीकर पड़ा मिल जाता था। वाकई में शराब नीति बहुत अच्छी थी। शराब नीति इतनी अच्छी थी कि महिलाओं को घर का खर्च मिलना बंद हो गया था। लोगों ने सारी तनख्वाह अपनी शराब पर उड़ानी शुरू कर दी थी। वाकई में शराब नीति बहुत अच्छी थी। सवाल ये कि शराब की जो नीति आई थी, भाई साहब कह रहे हैं अशोक जी कि बहुत अच्छी थी नीति, कल इनका ये कहना था। हाँ। सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी, शराब नीति वाकई में बहुत बहुत अच्छी थी वाकई में, क्योंकि जब शराब फ्री मिल रही थी एक के साथ एक फ्री, तो स्कूल के बिल्कुल पास में ठेके खोले जा रहे थे और वहां शराब पी पी कर लोग खड़े हो जाते थे और स्कूल में आने जाने वाली जो छात्राएं थी उनके साथ छेड़छाड़ होती थी, उनके साथ गलत कमेंट जो है वो किए जाते थे, जिसकी वजह से छात्राओं ने स्कूल आना बंद कर दिया था। उनके माता पिता इतने चिंतित हो गए थे कि उन्होंने सड़कों पर धरने प्रदर्शन देने शुरू कर दिए थे। वाकई में शराब नीति बहुत अच्छी थी। लोगों ने काम पर जाना बंद कर दिया था, शराब पीकर सड़कों पर हर जगह हर किसी कूड़ेदान के पास हर किसी नाली में हर किसी गटर में एक बंदा शराब पीकर पड़ा मिल जाता था। वाकई में शराब नीति बहुत अच्छी थी। शराब नीति इतनी अच्छी थी कि महिलाओं को घर का खर्च मिलना बंद हो गया था। लोगों ने सारी तनख्वाह अपनी शराब पर उड़ानी शुरू कर दी थी। वाकई में शराब नीति बहुत अच्छी थी। शराब नीति इतनी अच्छी थी कि जो बच्चे 12th के 11th के या जो कॉलेज जाना शुरू किया था उन लोगों ने, उन स्टूडेंट ने पढ़ाई में ध्यान ना देकर एक बियर के साथ एक बियर फ्री की जो शराब नीति, बहुत बेहतर शराब नीति जो आई थी, उसको लेना शुरू कर दिया था और हर क्लब में स्टूडेंट जो है वो शराब पीकर धुआं उड़ाते नजर आने लगे थे। वाकई में शराब नीति सर बहुत अच्छी थी। इतनी अच्छी शराब नीति कि देश को शराबी बना दिया था। और वो जो गाना है ना सर, शायद आप लोगों ने सुनाई होगा कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। वाकई में शराब नीति इतनी अच्छी थी कि बोतल तो नहीं नाची, लेकिन देश का हर एक शराबी शराब पीकर झूमता हुआ सड़कों पर नाचता हुआ खुलेआम नजर आया। शराब नीति वाकई में बहुत अच्छी थी। जवाब दीजिए अशोक जी, मुझे तो हंसी आ रही है। हिमांशु जी, मैं आपको अपनी अच्छा मैं आपको बताता हूँ, जैसे शराब नीति के बाद जैसे बीजेपी ने भी एक बार मैंने देखा ये लोग क्या करते, प्रोटेस्ट करते थे और शराब जब एक के साथ एक बोतल फ्री मिल रही थी तो सबसे ज्यादा लोग यही लाइनों में लगे हुए थे। ये आम जनता लाइनों में नहीं, सबसे ज्यादा यही लोग लाइन में लगे, पहले प्रोटेस्ट करते और फिर लाइनों में लगते। सवाल एक पत्रकार का है, बीजेपी को नहीं लाएगी आप बीच में, एक पत्रकार यहाँ पर है, उस पत्रकार के सवाल का जवाब। ना मैं कांग्रेस के फेवर में हूँ, ना मैं आम आदमी पार्टी के फेवर में हूँ, ना मैं बीजेपी के फेवर में हूँ, लेकिन आपकी शराब नीति के फेवर में हूँ, क्योंकि आपकी नीति बड़ी इतनी मददगार साबित हुई कि महिलाओं को घर के खर्चे मिलने बंद हो गए थे और शराब नीति इतनी फेमस हो गई थी कि सड़कों पर हर एक गली में एक बंदा शराब पीकर पड़ा नजर आता था और महिलाएं सड़कों पर अपनी चूड़ियां तोड़ती नजर आती थी कि भगवान ना जाने कब हमारे पति को उठा ले। शराब नीति सर वाकई में बहुत अच्छी थी। रेखा जी, मैं आपको बताऊं, ये शराब नीति ये नहीं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आई और शराब नीति लागू करी तब ये काम हुआ है, ये तो कांग्रेस के टाइम से पता नहीं कितने समय से शराब के ठेके हैं दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर, और शराब लोग पीते हैं तो किसी को रोका भी नहीं जा सकता, क्योंकि या तो शराब बिल्कुल ही पूरे देश में बंद हो या तो पूरे देश के अंदर शराब बंद हो जाए तो खुद ही सारे काम ठीक हो जाएंगे, या पूरे देश के अंदर शराब बंद हो जाएंगे। हम समझा सकते हैं, पहले के जो ठेके थे अगर उनको देखा जाए, और आज के जो आलीशान ठेके, आलीशान कहूंगी, आज के जो ठेके हैं इतने खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं कि राह चलती हुई हर महिला और राह चलता हुआ हर एक वो नौजवान जो शराब नहीं पीता वो भी रुक कर एक बार ठेके की आलीशान हालत को जरूर देखता है कि वाह क्या चकाचौंध है, वाह क्या आलीशान है। ठेके भी बता दीजिए रेखा जी, पिंक ठेके महिलाओं के लिए तो वाकई में आम आदमी पार्टी ने इतना बेहतर काम किया है, तारीफ नहीं कर सकते।